गुरुजनों, शिक्षकों, प्राचार्य और प्राचार्य, दोस्तों, मित्रों, क्रांतिकारी साथियों, इस 4 सितंबर को 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर आज यहां उपस्थित तमाम गुरुजनों को हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज मूलतः आपके सामने, इन गुरुजनों के सामने मुझे कोई बोलने का अवसर नहीं था। आज तो अवसर है जिन लोगों को बॉल बैडमिंटन संघ ने, हम लोगों ने जिसको देखा है, समझा है, परखा है और फिर मान लिया है कि यही समाज में सेवा करने वाले लोग। बुद्ध ने कहा था, मानो मत, जानो, देखो, समझो, परखो, अगर सब ठीक होगा तो निश्चित रूप से मान ही लोगे, तुमको निकलना नहीं पड़ेगा। हमारी स्थिति वही बुद्ध की जो लाइन है। मैंने अपने एक एक शिक्षक शिक्षिकाओं को, गुरुजनों को, दोस्तों को मैंने देखा है, समझा है, परखा है और फिर मान लिया है कि आप ही शिक्षा के उत्कृष्ट सम्मान के लायक है। इसलिए ये कोई शिक्षा मंत्री जी, इस सभागार में बैठे हुए लोग कोई साधारण व्यक्तित्व के लोग नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, जब मैं 96 में इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन के आया, इन्होंने मुझे समर्पण भाव से, समर्पित भाव से आज से 24-25 साल पहले एक छोटा भाई के रूप में जो मुझे आमंत्रित करके सम्मान दिया, मैं प्रयास करता हूं इनकी सम्मान का रक्षा करूं। आप तो गार्जियन हैं, शिक्षा के व्यक्ति अभिभावक हैं, हमसे सदन में आपसे हम जूझते हैं इसलिए नहीं कि हम आपको मानते नहीं हैं, जानते नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ आकृष्ट करते हैं कि जिनको उपहास उड़ा के लोग कहते हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होते, जो लोग कहते हैं सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अच्छे नहीं हैं, जो लोग यह कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों के क्या उसका आउटकम है। मैं आए दिन सवेरे से मैं उठता हूं 9 बजे से और रात के 12 बजे तक मैं शिक्षकों के बीच में ही जीता हूं, मरता हूं, खाता हूं, सोता हूं। मैंने इनको, जो यहां लोग बैठे हैं, इनको मैं बहुत करीब से जानता हूं। ये वही लोग हैं शिक्षा मंत्री जी। मैं एक नवादा के स्कूल में गया था और एक सभा चल रही थी। एक अच्छे घर के लोग खूब सोना के चैन ऊन काड़ा उड़ा पहन के आए थे। उन्होंने भाषण में कहा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में शिक्षक नहीं जाते हैं। जब मुझे भी मौका मिला भाषण देने का तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, आपके बच्चे यहां पढ़ते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा क्यों पढ़े? मैं, अच्छा अच्छा आपका बच्चा नहीं पढ़ता। हमने कहा, आप लगता है स्कूल में आते जाते रहते हैं। नहीं, हमको फुर्सत है कि स्कूल में आएंगे जाएंगे। तो हमने पूछा, अपन तरियानी के जरूर पढ़ाई पढ़े होंगे, जब आते नहीं है, बच्चा पढ़ाते नहीं है तो आप जान कैसे गए? ये वही लोग हैं जो सरस्वती को खरीदने वाले लोग, ये जो गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चों को, जो अनगढ़ हीरो को तलाश के कोहिनूर बनाते हैं, उनका उपहास उड़ा के अपने बच्चों से कंपेरिजन करके वो डरते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे गुरुजन वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माता पिता को भी शिक्षा
व्यवस्था का स्वाद नहीं मिला है। हम सबों के बच्चे के बच्चों को शिक्षा मंत्री जी आप जो कारवां चलाए हैं उसमें सबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जिससे आपके लोग तुलना करना चाहते हैं विभाग से लेकर बाहर तक वो प्राइवेट स्कूलों से तुलना करना चाहते हैं। वो किसी किसी के बच्चों को पढ़ाता है, हम सबों को बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। और लोग हमको कह देंगे, यह इसलिए लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को कोई यह ना कहे कि इंफीरियर है। और मैं बार बार कहता हूं 21वीं सदी अगर बनाना है, देश को 21वीं सदी में खड़ा करना है जमीन पर, तो जब तक ये गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे जब तक बेहतर तरीके से साक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक 21वीं सदी कागज का हो सकता है, जमीन का नहीं। ये 21वीं सदी की जिम्मेवारी आपके प्राचार्यों ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने 21वीं सदी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर रखा है और आपके सम्मान को हमेशा बढ़ाते रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बुलाया हूं कि आप कहीं से यह नहीं समझें कि हमारा स्कूल इंफीरियर है। हम सबों को पढ़ाते हैं। वो जो पब्लिक स्कूल है वो उनके बच्चों को पढ़ाता है जिनके माता पिता पढ़ते हैं, जिनके माता पिता 4 बजे भोर से टिफिन के लिए तैयार करते रहते हैं। हम वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो भूखे आके स्कूल में फेंट करके गिर जाता है। हमको इस नजरिए से हर हाल में देखना चाहिए। ये हमने जहां हमसे होता है शिक्षा मंत्री जी, मैंने अपने जीवन में 5 नया पैसा किसी को सड़क बनाने के लिए, गली बनाने के लिए और नली बनाने के लिए मैंने नहीं दिया। आप पूछ ले, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके यहां नहीं आते हैं तब भी मैं जाके पूछता नहीं हूं कि आपको क्या चाहिए। उनकी हिस्सेदारी 5 रुपया मेरे फंड में होगा, वो 5 रुपया उनके दरवाजे तक जरूर उनको सम्मान के साथ पहुंचाते हैं। हम इसलिए आपसे सवाल नहीं करते हैं कि हम आपका दुश्मन है या आपका हम खिलाफ है, क्योंकि जब अभिभावक घर में रहता है उसके 5 बच्चे रहते हैं, दशहरा और होली आता है तो बच्चे डिमांड करते हैं कि बिना जूता कुर्ता टोपी ले ले हम जाएंगे नहीं। लेकिन अभिभावक अपने परिस्थितियों के अनुसार कहता है नहीं, जूता कुर्ता तो चलेगा लेकिन अभी तुम्हारा टोपी की जरूरत नहीं है, कुर्ता पर फुल पैंट तो चलेगा, जूता तो तुम्हारा नया ही है अभी रहने दो। हम जानते हैं अभिभावक का रोल क्या होता है, लेकिन बच्चे तो डिमांड करेंगे, कहते हैं जब अबोध बच्चे भी नहीं रोते तो माँ दूध नहीं पिलाती है, उसका जब बच्चा रोता है तो माँ समझती है ये दूध मांग रहा है, माँ समझती है कि बच्चा कब रो रहा है तो ये बाथरूम करेगा, माँ समझती है ये बच्चा जब रो रहा है तो कोई बात है पेशाब किए हुए। मां से बड़ा मनोवैज्ञानिक इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मां और पिता अपने हर अभिभावक अपने बच्चों को चरम उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं। और आप भी उस कारवां में अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजों को, अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को आप निश्चित रूप से उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। हम आज जिन लोगों को बुलाए हैं ये इनको उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित करना है, क्योंकि दुनिया में बड़ा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हम मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं, दुनिया में रूपांतरण और परिवर्तन जितना पनिशमेंट नहीं किया है उससे अधिक उसको रूपांतरण और परिवर्तन प्यार किया है, उसके ललकार किया है, उसका पीठ थपथपाने से हुआ है, उसको सम्मान देने से हुआ है। हम सम्मानित कर ही सकते हैं जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो सत्य के करीब पहुंचते हैं, उनकी प्रशंसा निश्चित होनी चाहिए। अगर उनको प्रशंसा नहीं मिला तो कोई सत्य के करीब जाने को सोचता नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को पीठ थपथपाने की जरूरत है। मैं इनके छोटे भाई के रूप में
नौजवान साथियों के मित्र और भाई के रूप में हमने आमंत्रण किया और हमको लगा निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को जो बिहार के धरती को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ये रहते हैं। आपने देखा हमारे शिक्षक कितना इंटेलिजेंट है। अभी आपने देखा राधा कृष्ण की झांकी, वो आपकी शिक्षिका है, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, वो माँ बेटा है। आप किस परिवर्तन के दौर में है जहां माँ और बेटे में इतना फासला आज भी रह रहा है, उसमें एक माँ अपने बेटे के साथ नृत्य कर रही है, ये आपका उपलब्धि है, आज आपके स्कूल का उपलब्धि है, ये सम्मान का उपलब्धि है। अभी हमारे तमाम लोगों ने जो स्वागत गान गाया वह भी आपके बिहार सरकार के स्कूल की शिक्षिका है। आप इसको देखें, आपसे बेहतर किसी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में हमारा शिक्षक नहीं हो सकता। हमारे यहां जिनकी नौकरियां नहीं होती है वही पब्लिक स्कूल में जाते हैं। जैसे अभी ब्रजवासी जी ने कहा कि राष्ट्रपति तो शिक्षक बन ही सकता है, अगर कोई राष्ट्रपति भी जान करके शिक्षक बन जाए तो मेरा गौरव और बढ़ेगा। मैं इसके बात का समर्थन करता हूं। हमको इस पर नहीं रोकना है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया, हमको तब तक इसको मंजिल और मकाम तक पहुंचाना है जब पेनलाइज होकर कोई राष्ट्रपति डिजाइन करके शिक्षक के पद पर ज्वाइन करे। इस टारगेट को पूरा करना है साथ। आपने देखा ये हारमोनियम तबला वाले, ये सब आपके शिक्षक हैं। इसलिए हम कहीं से इंफीरियर नहीं है, लेकिन हम वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम बच्चे हैं, उनको पढ़ाना और समाज के आगे के पंक्ति के बच्चों को पढ़ाना, एक दोनों में बड़ा फर्क है। आप रिजल्ट भी देखेंगे, लास्ट टाइम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला, 84% बच्चे हमारे स्कूल के थे, काहे नहीं आए प्राइवेट वाले। मैं अक्सर कहता हूं ये जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सरस्वती के खरीदने वाले हैं, और एक जो स्ट्रगल करके शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, ये दोनों में बड़ा अंतर है। चुनौतियां वही स्वीकार करता है जो माँ का दूध पिया है, चुनौती वह कभी स्वीकार नहीं करता जो हॉर्लिक्स और कॉर्न पीता है। ये जो बच्चे हैं उसने गरीबी में जरूर पला है, लेकिन अपनी मां के आंचल में पला है, इसलिए उसको लड़ने का, स्ट्रगल करने का हौसला भी है। आप तमाम लोग आए, मैं अधिक लगता है समय ले लिया, सॉरी, मुझे तो कुछ बोलना नहीं था, लेकिन मैं आपको अभिनंदन करता हूं इन तमाम गुरुजनों के तरफ से। आप कभी यह नहीं सोचेंगे, संघ और संगठन तो आपसे बांधते ही रहेंगे, हम भी आपसे लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा काम कुछ और है, आपका कुछ काम और है। आप देने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, आप राजा हैं, हम शिक्षकों का याचक हैं, यह तो रहेगा ही। और कहीं से मन में यह बात का कई आदमी कहता है, आप बहुत कड़ा कड़ा बात बोलते हैं, कड़ा कड़ा बात नहीं बोलते, साफ साफ बात बोलते हैं। और आप किस तरह से सदन में गंभीरता के साथ प्रश्नों का जवाब देते हैं वो काबिले तारीफ है। बस इतना गुजारिश करेंगे कि